जो भी कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में हमेशा पार्लियामेंट बोर्ड बैठ के निर्णय करता है दो प्लस में, जिसे नेता चयन करना या नेता चयन नहीं करना, चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। मैं ऐसे कई प्रांत हैं जो बिना चेहरे के चुनाव लड़ा हूँ। गांवों को लेकर के राज्य की राजनीति में बीजेपी में खासतौर से विरोध रहा है, कई बार विवाद रहा है। कटारिया जी यात्रा निकालने वाले थे तब उनकी यात्रा रुकवा दी गई, सतीश जी की यात्रा पिछले दिनों रुक गई, तो क्या यात्राओं से वाकई फायदा होता है क्या व्यक्तिगत या नहीं? देखिए ये जब तक पार्टी निर्णय करके कोई किसी विषय नहीं करे, यात्रा हो, मीटिंग हो, रैली हो, कोई भी हो, ये पार्टी का सामूहिक निर्णय होता है तो ही सफलता मिलती है, अन्यथा ऐसे कोई सफलता नहीं। हमारी पार्टी पूर्ण रूपेण कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता जो संगठन कहेगा वही करने वाला हमारे यहाँ। कोई व्यक्ति अकेला कहेगा या किसी पद पे बैठा वो कहेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे यहाँ निर्णय पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन करता है, और ऑर्गेनाइजेशन भी कोई मान लो बड़ा कोई निर्णय है तो उसमें भी फिर पहले उनको पार्लियामेंट बोर्ड के पास विषय भेजना पड़ता है कि भाई स्टेट यूनिट की हमारी इच्छा है, अब वो आगे क्या निर्णय करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, राष्ट्रीय हमारे अखिल भारतीय नेता है, हमारे सब राष्ट्रीय पार्लियामेंट बोर्ड के मेंबर है, उसमें आज तक जो भी कार्यक्रम हुआ है, मैं आज से काम नहीं कर रहा हूं पार्टी, जो भी कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में हमेशा पार्लियामेंट बोर्ड बैठ के निर्णय करता है दो प्लस में, जिसे नेता चयन करना या नेता चयन नहीं करना, चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। मैं ऐसे कई प्रांत हैं जहां बिना चेहरे के चुनाव लड़ा हूं, ऐसे कई प्रांत हैं जहां चेहरे लेके चुनाव लड़े। मैं मध्य प्रदेश में जब 2001 में भेजा तो उमा भारती जी को लेके गया था, उमा भारती जी का